तो गाइस ये है वृंदावन में श्री माता वैष्णो का मंदिर, और देखिए कितनी बड़ी ऊंची प्रतिमा है माता रानी की, और वाकई अच्छी लग रही है देखने में। और ये मतलब मंदिर की खूबसूरती आप देखिए कितने वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देखिए मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम श्री मंदिर में घूम रहे हैं, और ये देखिए क्या बात है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं। और ये देखिए ये बराबर में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, और ये आप देखिए पब्लिक का क्राउड कितना यहाँ पे, मतलब कितनी ज़्यादा पब्लिक है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4 बज रहे हैं, अभी मंदिर की एंट्री हुई है, तो इसलिए अभी पब्लिक ज़्यादा आई है कुछ, और भीड़ भी थोड़ी ज़्यादा है। और ये देखिए ये यहाँ से गुफा का रास्ता है, इसमें गुफा है जैसे मतलब आखिरी में तो आप देखिए। तो अब नीचे उतर रहे हैं और देखते हैं अगर गुफा में जाने का रास्ता, देखो गुफा है मतलब है गुफा। अब हम गुफा में जा रहे हैं अंदर, ये देखिए ये यहाँ पे ब्रांडिंग चल रही है। ये देखो गुफा, अब हम एंटर कर चुके हैं मंदिर की गुफा में, देखते हैं गुफा में कभी क्या सीन है, दिखाते हैं आपको भी अपने साथ साथ। अरे वाह, मतलब यहाँ तो अलग ही मतलब नज़ारा है देखने को, खास ही मतलब बहुत ही अच्छा। आप ये देखिए जय माता की। गुफा तो बहुत लंबी है और काफी ज्यादा लंबी गुफा है। ये देखिए माँ शैलपुत्री जी की फोटो है ब्रह्मचरणी। देखिए यहाँ से हम गुफा के बाहर आने के बाद में परिक्रमा स्टार्ट होती है। अरे क्या हुआ, थक गए इतनी जल्दी? बहुत बड़ी थी, कैसी थी अंदर से? वो तो बहुत अच्छी लगी ना, बहुत ज्यादा खुशांत आ गया मेरा भाई। मतलब गुफा में तो मतलब अच्छी थी बहुत ज्यादा, कैसी लगी ऊपर क्या है? अरे वाह वाह, मतलब ये देखिए एकदम ये परिक्रमा है, चरण पादुका स्पर्श करते हैं, जय हो। ये यहाँ से इस मूर्ति की परिक्रमा स्टार्ट होती है। यहाँ देखिए ये पार्क है मंदिर के साइड साइड में, और ये देखिए मंदिर माँ शेरावाली की जो प्रतिमा है कितनी ही ऊंची है, वाकई में बहुत ही ज्यादा। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो मतलब कह नहीं सकता कितनी होगी,